उस स्थिति में अंग्रेजों ने जब बहस की ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ये कहा कि हमें भारत में फिर से जाना है और भारत को फिर से लूटना है, तो कैसे संभव है? तो जो अधिकारी जिंदा बचकर यहां से लंदन वापस गए थे, तो उन्होंने कहा ये एक ही रास्ते से संभव है कि भारत के कुछ राजा, भारत की कुछ रियासतें अगर अंग्रेजों की मदद करें तभी अंग्रेज दोबारा भारत में जा सकते हैं। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन से राजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की संसद में एक सूची बनाई गई, उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार, सबसे पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहला नाम आया। और सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि ये तो इतना अच्छा परिवार है हमारे लिए, हम इन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। एक अंग्रेज कह रहा है कि हम अपने पे जितना भरोसा नहीं कर सकते उससे ज्यादा सिंधिया परिवार पे भरोसा कर सकते हैं, इस परिवार की हमें जरूर मदद मिलेगी, हमें भारत वापस चलना चाहिए। दूसरे परिवार का नाम आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिले, पटियाला राजघराना। आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आपने सुना है, जो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा, वो उसी राजघराने का है, पटियाला राजघराना। दूसरा नाम उनका आया। तीसरा नाम आया जींद के एक राजा का, हरियाणा में एक रियासत हुआ करती थी जींद, वहां के राजा का नाम था। चौथा नाम आया हैदराबाद के निजाम का, सालार जंग का। ऐसे करके अंग्रेजों ने 20-25 नाम छांटे। इनके नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज हैं, बहस में दर्ज हैं कि ये वो परिवार हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी। फिर इन सब परिवारों को अंग्रेज सरकार की चिट्ठी आई, वो चिट्ठी की कॉपी भी वहां रखी हुई है जिसमें लिखा गया कि आपने हमेशा अंग्रेजों की मदद की है, अब फिर हमारी मदद कीजिए, हम भारत को फिर से आना चाहते हैं लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो इन परिवारों की तरफ से जो चिट्ठियां गई वो बहुत ही शर्मनाक है। सिंधिया परिवार से चिट्ठी गई, उसमें कहा गया कि हम तो हमेशा से आपके, आप बिल्कुल शक मत करिए, आप वापस आइए इस देश, हम आपको अपनी सेना देंगे, पैसे देंगे, आपको जो चाहिए वो मदद करें। ये जो हैदराबाद का निजाम था इसने चिट्ठी भेजी, उसने कहा मेरी पूरी सेना आपके लिए है, मेरा पूरा खजाना आपके लिए। जींद के राजा ने कहा सब कुछ मैं आपको नौछावर कर दूंगा। तो ऐसे 20-25 राजघराने इस देश में निकले जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करने की कसम खाई, और उनकी मदद से अंग्रेज दोबारा इस देश में आए और दोबारा फिर इस देश के क्रांतिकारियों को उन्होंने कत्लेआम किया, भारत के कुछ राजाओं की सेना की मदद से। और वो कत्लेआम करने के बाद इस देश पर फिर से अंग्रेजों का राज्य स्थापित किया उन्होंने। और दूसरी बार जब राज्य स्थापित किया तो वो कंपनी का नहीं था, अंग्रेज सरकार का राज्य स्थापित किया। उसके पहले इस देश में 100 साल कंपनी का राज चला, ईस्ट इंडिया का। उसके बाद अंग्रेजी सरकार की स्थापना हो गई इस देश में। और जब अंग्रेज सरकार फिर से बन गई इस देश में, तब बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब हमें भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है, अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे, अब जो करेंगे वो कानून बनाकर करेंगे। क्यों? तो अंग्रेजों ने आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया, वो ये कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे हम तो भारत में कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं। अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें? अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी, कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी, लूटना तो आपको है ही। इसको ऐसे समझिए कि कोई आपकी जेब काटे तो आप चिल्लाओगे मेरी क्यों जेब काट रहा है, फिर अगर वो जेब काटने का कानून बन जाए इस देश में और कोई व्यक्ति जेब काटे तब आप क्या चिल्लाओगे, कानून बन गया, वो तो कानून का पालन हो रहा है भले आपकी जेब कटे उसमें। तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली बहस हुई कि 1857 की लड़ाई में भारत ने जो क्रांति की है उसमें पैसा कहां से आया, क्योंकि उस समय की क्रांति में करीब 480 कोटी रुपए खर्च हुए, 480 करोड़ रुपए खर्च हुए 1857 की क्रांति, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो 300 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन उतना हो चुका है तब से।
इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई थी 1857 की क्रांति में पूरे देश में। तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि ये पैसा दिया किसने। तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने कहा कि उद्योगपतियों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, किसानों ने दिया, कारीगरों ने दिया, ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दिया। तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी क्रांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाए और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाए, सारे पैसे उनके हाथ से छीन लो। तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और अंग्रेजों ने जब यह कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में, तो रकम कितनी छीननी है, धन कितना छीनना है, तो अंग्रेजों ने कहा 97%। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया, माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से तो उसमें से 97 रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है, माने उसके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामान पैदा करेगा, उत्पादन करेगा, तो उत्पादन पर कर लेना है उनसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और ये अंग्रेजों ने लगाई 350%। 100 रुपए का सामान पैदा करो तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई व्यक्ति सामान बनाएगा तो बेचेगा जरूर, तो बेचने पर उससे टैक्स लेना है, तो उन्होंने एक टैक्स बना दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, वो 180% से 250% होता था। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि सामान बनाएगा तो कर भरेगा, बेचेगा तो टैक्स देगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो टैक्स देगा, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा फिर टैक्स लेना उससे। तो वो टैक्स क्या क्या है, अंग्रेजों की बनाई गई सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स लेना, अंग्रेजों के बनाए गए पुल से जाएगा तो टोल टैक्स लेना, जिस गांव में सामान बनाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लेना, ऐसे कर करके उन्होंने सारे टैक्स के कानून ला दिए इस देश। उद्देश्य क्या था, एक ही उद्देश्य, भारतवासियों से पैसे छीनने हैं, भारतवासियों से धन छीनना है, संपत्ति छीननी है और उसको लंदन लेके जाना है। जब ये कानून लागू हो गए, इंडियन इनकम टैक्स आ गया, सेंट्रल एक्साइज आ गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया, रोड टैक्स आ गया, टोल टैक्स आ गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स आ गया, बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए, तब लूट और ज्यादा हो गई इस देश की। और उस लूट का दुष्परिणाम ये निकला कि धन तो सारा लंदन चला गया, इस देश के सारे उद्योग खत्म हो गए, क्योंकि किसी उद्योग पर आप 350% एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महंगा कर दिया आपने उस सामान, फिर सेल्स टैक्स लगा दोगे, फिर इनकम टैक्स ले लोगे, फिर रोड टैक्स ले लोगे, फिर टोल टैक्स ले लोगे, अल्टीमेटली दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई और वो वस्तुएं बाजार में बिकना कम होती गई, तो भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, निर्यात खत्म हुआ, तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया और धीरे धीरे आमदनी इस देश की घटती गई, घटती गई, घटती गई। आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के 200 देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता था, इतना परिवर्तन हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉरपोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए, वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य था। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे। अब होना क्या चाहिए था, 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर, वो सब खत्म होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे, लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में। इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी है,
सेल्स टैक्स भी है, बस नाम बदल गया है, वैल्यू एडेड टैक्स। रोड टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे, काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो 64 हैं, 64। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे, ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया।